बूढ़ा अमरनाथ यात्रा आज से शुरू। पूंछ के सियासी समाजी शख्सियात ने यात्रा को कामयाब बनाने के लिए अवाम से हर मुमकिन तआवुन करने की अपील। इस सिलसिले में जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं आशा फासा सिंह आज़ाद जी, उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि हम जम्मू व कश्मीर में अपनी एक बॉडी बनाना चाहते हैं। इस नस्बत पिछले हफ्ते जम्मू में एक प्रोग्राम मुनक़द किया गया जिसमें महेंद्र पाल सिंह जी जो हम कि ये यात्रा जो है ये काफ़ी अरसा से ये जो प्रोग्राम है सदियों से चला आ रहा है। इसमें कुछ देर के लिए कोरोना जब वबा फैल गई तो उस वक्त ये बंद हो गया, लेकिन फिर से ये चालू हो रहा है। आज पहला जत्था जो है वो सरजमीन पूंछ में पहुंचने वाला है, जिसमें यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर सारा उनका वेलकम करते हैं और ये जो पैगाम है ये हिंदुस्तान तक पहुंचाते हैं। और इस यात्रा की तैयारी जो है बाकायदा तौर पर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर साहब पूंछ हो DIG भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जो यात्रा आज से पूंछ में आ रही है हर साल की तरह, मैं उसका दिल की गहराइयों से उनका वेलकम करता कि ये हमारे पूंछ की हिस्ट्री में पूंछ की तारीख में एक बड़ा अहम त्यौहार है जिसको मनाने के लिए हमारे यहाँ के लोग जो हैं पूरा साल सोचते रहते हैं कि कब रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा। हमारे मंडी में एक मेला लगता है, पूरे भारत से जो लोग पहलगाम नहीं जा सकते हैं वो यात्रा के लिए यहाँ आते हैं। उससे पूंछ हिंदू मुसलमान भाईचारे में काफ़ी फ़ायदा होता है, आपसी भाईचारे में लोगों का प्यार बढ़ता है, क्योंकि इस त्यौहार में मंडी के लोग जहाँ ये मंदिर बूढ़ा अमरनाथ मंदिर है वहाँ पे 99% मंडी में मुसलमान आबादी है और वही उसका वेलकम करते हैं और वो हमारे भारत के लिए एक बड़े फख्र की बात कि यहाँ पूंछ में आंखों के फ्लू की आमद। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने आवाम को एहतियात बरतने की तलकीन। छूत छात की एक बंदे से दूसरे में फैलती है, तो शुरू में तो ये जो लोग बाहर से यात्री वगैरह आ रहे थे तो उनके थ्रू अपने जम्मू तक ये बीमारी आई थी, लेकिन अब हमारा एरिया भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। तो इस वक्त हमारी OPD में कल भी हमारे पास 26 केस आए हैं, तो टोटल कुल मिलाकर इस वक्त हमारे 437 केस हो चुके हैं जो हमारे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं ना, ये हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो फिगर है। तो फ्लू के केसेस तो हैं, अब उसके लिए जो तैयारी को कह रहे हैं कि हमने खासकर जो लोग क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं जैसे रेजिडेंटल हॉस्टल वगैरह हैं उन सब में हमने टीम भेज के तो उनको अवेयर भी कर दिया और जो लोग वहाँ पर आइडेंटिफाई किए उनको उनकी दवाई वगैरह भी दी। जैसे गुजर पहाड़ी हॉस्टल हैं या हमारा ये पार है बाल आश्रम है, ये सारे ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए। उसके अलावा रूटीन में ही हमारी एक जो टीम है वो बाहर निकलती है, कुछ स्कूल्स वगैरह में अवेयरनेस देती है और OPDs जो हमारी सर्विसेज हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी हैं और हमारे तीनों SDR जो हैं मंडी मेडर और सुनकोट वहाँ पर हमारे ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन होते हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं और वो देख रहे हैं। बीमारी जो है कंटेजियस है लेकिन इतनी सीरियस नहीं है, एटलीस्ट 3-4 डेज लेती है उसके बाद ये कवर हो जाती है। तो पब्लिक से हमारी यही है कि जैसे बहुत सारे लोग जो हैं अवेयर हो चुके हैं, कोविड को फेस किया हमने तो उसमें जैसे एहतियात की जाती थी वही चीज़ें इसमें भी ज़रूरी हैं। खासकर हमने देखा कुछ लोग सिर्फ इतना करते हैं कि भाई सिर्फ आँख में ऐनक लगा लो तो उससे हो जाएगा, वो ऐसे बात नहीं है। पूंछ में ARTO के खिलाफ एहतजाज, ड्राइवरों और दीगर शहरियों ने लगाया ऑफिस में काम न करने का इल्ज़ाम, कार्रवाई का क्या मुतालबा? सर मुझे एक महीना हो गया, बल्कि एक महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया, मेरी गाड़ी खड़ी है अभी तक। जैसे भी बुधवार को मैं मुझे बुलाते हैं कि ग्राउंड में आइए राज ग्राउंड में तो आपकी गाड़ी हम पास करेंगे। स्टार्टिंग में मुझे बोला कि यहाँ पे इसको टायरों की प्रॉब्लम है, मेरा एक टायर स्टेप नहीं चढ़ा हुआ था, उसका वो प्लेन था टायर रबड़ी, तो मैंने चेंज कर दिया लेकिन तब भी उस टाइम इन्होंने माना नहीं। मैं दूसरी बार फिर लेके गया तो उस टाइम मेरी गाड़ी हो गई थी पास,
तो मुझे मैंने सोचा आप हफ्ते के अंदर अंदर मेरी फिटनेस आ जाएगी। जैसे कि मैं 10 दिन के बाद आया ऑफिस में अपनी फिटनेस लेने के लिए, मुझे बताया जा रहा कि इंस्पेक्टर साहब ने नहीं जी, जिस दिन पासिंग होते आपने उसी दिन शाम को आना था ऑफिस में, खुद फाइल निकाल के खुद करवाना था ये पासिंग फीस, ये बनवानी थी ये फिटनेस। मैं सर मुझे क्या पता था, इससे पहले कभी ऐसा होता नहीं था। हम गाड़ी लाकर जाते थे वहाँ पे, गाड़ी पास हो जाती हफ्ते के बाद उसकी मतलब फिटनेस आ जाते थे, लेकिन ऐसी पहली बार। और हाँ जी, रूल चेंज हो गए हैं, जैसे कि कोई भी बात पूछते हैं हम इनसे तो रूल चेंज हो गए हैं। सर कोई बात नहीं सर, अब नेक्स्ट रूल सिर्फ बुधवार को लाना। फिर कल बुधवार को लेके गया मैं गाड़ी अपनी, लेकिन मेरी गाड़ी ओके थी सब कुछ। लास्ट में AHO साहब ने मुझे बताया नीचे आप स्पीड गवर्नर कहाँ है, इसका स्पीड गवर्नर लगना चाहिए। जैसे कि मैजिक गाड़ी में उसकी तो पहले से स्पीड बिल्कुल जीरो होती है, कम ही होती है उसकी, 40-50 से ऊपर होती नहीं है, तो उसको स्पीड गवर्नर कैसे लगाएं? अगर किसी गाड़ी में लगा है स्पीड गवर्नर, किसी मैजिक गाड़ी में लगा है तो मैं भी लगाने के लिए। बितारनार पुल की मरम्मती का काम शुरू, सियासी समाजी शख्सियात ने इंतजामिया के इकदाम को सराहा। और आपके चैनल के माध्यम से ये बात कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने कई बार इस ब्रिज के लिए और कई ऐसे मसले पूछ के थे जिस पर हमने बात की थी कि करप्शन पूंछ में दिन दिन बढ़ रहा है। एक तरफ देश का नारा है कि करप्शन मुक्त भारत बने, और हमारा पूंछ में ये नारा था समाज सेवा सोसाइटी पूंछ का कि करप्शन मुक्त पूंछ बने। लेकिन मैं आज हमें गर्व महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है कि जो हमारे नए DC साहब आए हैं यासीन चौधरी साहब, जब भी वो पूंछ में एंट्री हुए और पूंछ के बीच जो है एक ऐसा वेव्स ऐसी हवा चली है कि चारों दिशाओं में चारों तरफ यही कि उनका डंका बोल रहा है, उनकी बात चल रही है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सोशल मीडिया के ऊपर हो चाहे कोई रिटर्न कार्रवाई हो, ये आप ग्राउंड में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट किया उन्होंने। कल मेरी भी खुद पर्सनल हिसाब से बात हुई थी, 2 से 4 मिनट हमारी डिस्कस हुई, और उसके बाद मैंने उनसे यही कहा कि साहब ब्रिज का काम शुरू है, जो आपके दादर की भी जो काम हो रहा है वो काम जो है बड़ा बेहतरीन काम हो रहा है। इंतजामिया अपना रोल अदा करेगी, ये चीज जो है ये हमारे लिए काबिल फख्र है कि एक मजदूर जिसकी कोई सुनता नहीं था, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, वो भी अगर जाके डिप्टी कमिश्नर से बात करे, और साथ में SSP साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट की एक हदायत थी कि स्पेशली एबल पर्सन लोग जो है बुजुर्ग लोग इनको जो है दफ्तर में जगह मिलनी चाहिए बैठने की, कई बार मैं गवर्नमेंट से भी मिला और मैं अपनी कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा जी से भी मुलाकात करके मैंने बताया था कि तमाम दफ्तरों को हदायत दी जाए, लेकिन SSP पुंछ ने उस हदायत पे सुप्रीम कोर्ट की हदायत पे अमल करते हुए पहले ही दिन एक ऑर्डर निकाला कि मजदूर कोई भी मेरे दफ्तर में नहीं आएगा, मैं खुद उससे नीचे जाकर बैठ के उससे मिलूंगा। तो कहने का मकसद यह है कि हम पूरा तावन देंगे, हम हमेशा चपलूसियाँ करते आए हैं और गुलदस्ते देते आए हैं, लेकिन अच्छे आदमी की जिस जो आदमी काम करे उसको अप्रिशिएट आप नहीं कर सकते। कुछ यहाँ प्रॉब्लम है, कुछ हमारे लोग ऐसे होते हैं जो आम गरीबों को डिप्टी कमिश्नर से नहीं मिलने देते। आपने सुना होगा गुज़श्ता दिनों मैंने इस मजदूर तबके की भी आवाज़ उठाई थी कि यहाँ पर इनको बैठने के लिए कोई जगह दी जाए, इनके लिए अलग एक हाल बनाया जाए, तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने यकीन दहानी दिया कि इनको यहाँ पर बैठने के लिए एक माकूल इंतजाम होगा। तो कहने का मकसद है जो हर गरीब की सुने वही ऑफिसर हमारे लिए जो है वो काबिले तारीफ है, तो जो सिर्फ चंद लोगों की सुनवाई करे उस अफसर की यहाँ पर हमें कोई जरूरत नहीं, चाहे वो तहसील अफसर हो चाहे कोई और हो। लेकिन मैं बहुत हमें खुशी है डिप्टी कमिश्नर पुंछ जैसे, मैं गुजारिश करूँगा डिप्टी कमिश्नर पुंछ से कि बाकी इंतजामिया को भी आप मुतारक करें ताकि आपके नक्शे कदम पर ये सारे चले। शुक्रिया। बारामूला में मिलिटेंट मॉड्यूल का पर्दाफाश 8 गिरफ्तार किए गए, SSP बारामूला ने दी तफसीली जानकारी। ठीक है सर, सर गुड आफ्टरनून। आज हमने आपको यहाँ पर दावत दी है एक क्रॉस बॉर्डर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के मुतल्लिक। जैसा कि आप सब जानते हैं बारामूला एक सरहदी इलाका है और एक लंबी सरहद पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के साथ हम शेयर करते हैं, और इसी वजह से जो है बड़ी मात्रा में पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स, टेरर हैंडलर्स, नारकोटिक्स और आर्म्स अम्यूनिशन की स्मगलिंग की फिराक में हमेशा रहते हैं।
उनका मकसद है कि वो यहाँ पर आर्म्स और नारकोटिक्स की स्मगलिंग करे और हमारी नस्ल को गुमराह करे, हमारे बच्चों को जो है मिसलीड करे। इसी चैलेंज को मुंह तोड़ जवाब देते हुए बारामूला पुलिस और इंडियन आर्मी के जॉइंट एफर्ट्स की वजह से पिछले कुछ दिनों में हमने दो सक्सेसफुली मॉड्यूल्स को जो है बर्स्ट किया है। उसमें से पहली कार्रवाई जो है वो 8 अगस्त को हुई है, जिसमें बारामूला पुलिस और आर्मी 16 सिखलाई की जॉइंट फोर्सेस ने 3 क्रॉस बॉर्डर टेरर एसोसिएट्स को अरेस्ट किया है और उनसे जो है ग्रेनेड्स रिकवर किए हैं। उनका नाम है शौकत अली अवान, जो कि चुरुंडा उरी का रहने वाला है, अहमद दीन, जो चुरुंडा उरी का रहने वाला है, और मोहम्मद सादिक खटाना, जो चुरुंडा का रहने वाला है। ये तीनों जो है एक ही गांव के रहने वाले हैं, उड़ी पुलिस स्टेशन के हदूद में ये गांव आते हैं। और इनसे कुल 4 ग्रेनेड, 1 चाइनीज पिस्टल, 1 मैगजीन और 4 लाइव राउंड्स जो है बरामद हुए हैं। इस केस की तफ्तीश हमने शुरू कर दी थी। आगे बढ़ते हुए 11 अगस्त को जो है पोवरिया थजल एक इलाका है जो उरी के इलाके में आता है, वहां पर भी बारामूला पुलिस और 16 सिखलाई की जॉइंट फोर्सेस ने एक और मॉड्यूल का जो है खुलासा किया है, जिसमें टोटल 5 लोग अरेस्टेड हैं। उनके नाम करगिल में कांग्रेस को बड़ा झटका, कई ओहदेदारों ने अपने ओहदों से इस्तीफा दिया, कहा उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, इसीलिए वो हैं नाराज। ताकि हमारे शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आके हमारा बात सुनने के लिए बाद राज हम आज आया है। हम सब यहाँ हमारा कांग्रेस का ब्लॉक सब शक्का चिकतान का वाइस प्रेसिडेंट, मैं खुद ऑर्गेनाइजर, पब्लिसिटी मेंबर, यहाँ हाजी साहब चिकतान की सीनियर कांग्रेस लीडर जो यहाँ करगिल डिस्ट्रिक्ट में बुनियाद लगाने वाला लीडर है हाजी साहब, और इसका हमारा ये हमारा हाजी साहब ये भी है, हमारा नए सरपंच साहब है, हमारा यहाँ 5 साहब बाकी साथी सब हम आज इधर प्रेस लगाने के लिए आए कि कांग्रेस पार्टी से हम रिजाइन दे रहा है, क्योंकि हम इसी इलेक्शन एलएचडीसी सब एलएचडीसी करगिल के इंतखाबात में मैंडेट ना मिलने की वजह से, मैंडेट क्यों ना मिलने की वजह से मतलब कि हमारा एक कमिटी फ्रेम किया था, जब हम गांव से कमिटी फ्रेम बना के आया तो इधर पहुंचते ही हमारा दूसरा कमिटी का जो हानिस का ही हमारा प्रॉपर चिकतान का हमने कमेटी बना के आया था, हानिस का मेंबर आया, उन लोग वन सेट हो गए कि हमने एक कैंडिडेट को चुन के आया था, वहाँ आके उन लोगों ने दूसरा कैंडिडेट को चुन लिया, इसलिए हमने रिजाइन दे रहे आज इस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, हम और अपने अहदे से, ये सज्जाद साहब वाइस प्रेसिडेंट से, मैं ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी से, बाकी हमारा साथी साहब आज इस पार्टी में से रिजाइन दे रहा हूँ। इसीलिए कल हम फॉर्म भी लाया था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट निकालने के लिए, बाकी आज तक हमारा कांग्रेस पार्टी में जो ब्लॉक शाखातन में सिर्फ 2 बंदे का ही चलता है, यूथ को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा है, इसलिए हम पार्टी से नाराज़ है। यूथ को ना जब तक यूथ को टाइम नहीं देगा ब्लॉक शाखा चिकतान में कांग्रेस बिल्कुल उभरेगा नहीं, दिन ब दिन गिरते जाएगा मतलब। और बाकी हमारा सज्जाद साहब जो बोलेगा आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हज़रत शॉर्ट नोटिस शुक्रिया मेहरबानी दोनों अच्छा चिकतान नदी के उनकानी अच्छी कांग्रेस से पुराना है वर्कर जर या एक्टिंग वर्कर या वाइस पब्लिसिटी मेंबर जर अच्छी नायब सरपंच जो बाकी 5 कांग्रेसी वर्कर संगमा दे इसके चीफ है जनंग अच्छा माज रिजिग्नेशन चीफ है। करगिल में एनसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सज्जाद खान को सलीस कोर्ट हल्का इंतखाबत से पार्टी उम्मीदवार का किया ऐलान। सज्जाद खान ने पार्टी के आला अहदेदार खुसूसी तरह कमर अली अखून का किया शुक्रिया अदा। शॉर्ट नोटिस पे जम्मू कश्मीर लद्दाख नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल यूनिट के ऑफिस में आने के लिए आप सबको जहमत देने का सिर्फ एक ही मकसद था हमारा कि अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस
प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जनाब कमर अली आखुंद साहब की क़यादत में एक मीटिंग मुनक्किद की गई। उस मीटिंग का मौजू जनाब सजाद खान साहब को सलेसकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि सजाद खान साहब को सलेसकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कैंडिडेचर का आज हम ऑफिशियली अनाउंस करते हैं। इसके बाद सजाद खान साहब आपसे मुखातिब होंगे, वो अपने दो लफ्ज़ आपके सामने रखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वबिही नस्तईन। सबसे पहले मैं सलेसकोट फरोना कॉन्स्टिट्यूएंसी के तमाम आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने मुझ पर एतमाद किया और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जनाब कमर अली आखुंद साहब का शुक्रगुजार हूँ। कारगिल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब हाजी हनीफा जान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने मुझ पर एतमाद किया। इंशाल्लाह ये कदम नेक कदम साबित होंगे और जैसे ही जैसे कि आप खुद देख रहे हैं कि हमारे साथ सलेसकोट और फरोना दोनों की आवाम मौजूद हैं, दोनों की रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं, तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम कामयाबी के साथ आपके पास आएंगे। जब ये इलेक्शन होगा तो हमें भरपूर उम्मीद है कि हमारे तमाम आवाम हमें सपोर्ट करेंगे और आवाम के रुझानात भी यूथ को लेके काफ़ी अच्छा है, आवाम के रुझानात भी एक यूथ फेस को लेके काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक यूथ एक डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स से कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की तरफ लेके आना चाहते हैं। तो हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि हमें अपना सपोर्ट करके हमें सरफराज करें और सुरखुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र के अड़ी चौक में एटीएम लस्प करने का मुतालबा, कहा बैंक में ज्यादा रश होने की वजह से लोगों को करना पड़ता है कई तरह की परेशानियों का सामना। बैंक ब्रांच है एक, तो हमारी रिक्वेस्ट है अपने जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच के आला अधिकारियों से और तहसील मैनेजर के एसडीएम साहब से, डिस्ट्रिक्ट पहुंचे डीसी साहब से, कि हमें इधर एटीएम की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि इधर बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। हमारा सरूती पंचायत है, अड़ी नाड़िया पंचायत है, मरदान शाह पंचायत है, पलेसर पंचायत है, उसके बाद सरौली पट्टी है, उसके बाद अपना कंडी है, कलुता है, देखो इसमें बहुत बड़ी आबादी है। इसलिए हमारी ये अपने जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच के आला अधिकारियों से ये गुजारिश रहेगी कि हमें इधर एटीएम लगा के दिया जाए, ताकि इधर से लोग सफर हो रहे हैं, मेंडर जाते हैं पैसे निकालने के लिए, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी कि इधर एक एटीएम दिया जाए। हमें तकरीबन 2 साल हो गए चिल्लाते हुए, जब से ये ब्रांच आई है चिल्लाते हुए कि हमें इधर एटीएम लगा के दिया जाए, लेकिन अभी तक जो है उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी ये दरख्वास्त रहेगी कि हमें इधर रिवाड़ी चौक में जो है एटीएम की सख्त एटीएम लगा के दिया जाए। जब सिंगाला चौक में एटीएम लग सकता है, हकीम चौक में कितना नज़दीक है उधर, उधर एटीएम लग सकता है, ढकी में लग सकता है, नीचे अपना सखी मैदान में लग सकता है, गरसाई में लग सकता है, हरनी में लग सकता है, लेकिन हम बदकिस्मत लोग हैं अड़ी सरूती और नाड़िया के, प्लेसर के, अड़कंडी के, कलुता के, हम बहुत बदकिस्मत लोग हैं। लाइट हमारी नहीं होती, तभी कोई आवाज़ नहीं उठाता, तो कहीं लोड पड़ता था हमारी अड़ी की काटी जाती है, तभी कोई नहीं बोलता, लेकिन बैंक की तरफ से उधर से भी हम पछड़े हुए, किसी कोई भी सहूलियत क्या अड़ी सरूती को लागू नहीं है। इसलिए मैं अपने जम्मू कश्मीर अपनी सरकार से भी ये दरख्वास्त करूँगा, उसके बाद एसडीएम साहब से, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के डीसी साहब से, बिलखसूस जो अपने बैंक ब्रांच के